नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 12वीं मराठी का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देख सकते हो आप, यत्ता 12वीं विषय मराठी के बाद 80 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटा आपका टाइमिंग, 3.5 घंटा। विभाग एक गद्य जो आपके लेसन वाले रहेंगे, तो भाई लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो वही स्टार्टिंग में पैसेज दिया रहेगा, उसके ऊपर आकरण कृति में संजाल पूर्ण कीजिए या फिर कारण लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और एक सौमत या फिर अभिव्यक्ति वाला प्रश्न रहेगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। जैसे इसमें सबसे पहले योग की अयोग्य दे लिहा, कारणे लिहा, उसके बाद सौमत या अभिव्यक्ति का रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो दूसरा एक पैसेज आएगा अ आ ई, ऐसे 3 सब क्वेश्चन रहेंगे विभाग एक में। सो ये आप देख सकते हो अ वाला उतारा है, अ वाला पैसेज। उसके बाद आ वाला एक पैसेज रहेगा, उसके ऊपर फिर से वही आकलन कृति के क्वेश्चंस और समत अभिव्यक्ति के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हो ई वाला आएगा, खाली उदाहरण से आधारित सूचना संकृति करा, तो वही फिर से एक पैसेज आएगा, उसके ऊपर आकलन कृति और समत और अभिव्यक्ति वाले या फिर शब्द संपदा के क्वेश्चंस रहेंगे। देन विभाग दो आपका पोएम्स वाला आता है, पद्य विभाग, तो इसमें पोयम देख सकते हो आप कैसे कैसे हैं। इसमें भी सबसे पहले वही रहेगा, खालिद कविता से आधारित सूचना अनुसार कृति करा, तो जो आपको पोयम दिया होगा उसके ऊपर आप पोएम्स लिखने होंगे, अभिव्यक्ति इसमें भी दिया रहेगा। उसके बाद फिर से दूसरा एक पोयम आ गया। उसके बाद ई में आएगा आपका काव्य सौंदर्य और रसग्रहण, दोनों में से कोई एक करना होगा। सो आप देख सकते हो काव्य सौंदर्य और रसग्रहण, तो इसमें से आप क्या करना, काव्य सुंदर्य अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर रसग्रहण अटेम्प्ट करते हो, जो आपको आसान लगे। उसके बाद विभाग 3 साहित्य प्रकार का था। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उनके मन में डाउट था कि पैसेज आएगा कि नहीं, तो देखो इसमें पैसेज आएगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो विभाग 3 साहित्य प्रकार का था, इसमें दिया है खालिद उदाहरण से आधारित सूचना अनुसार कृति करा। सो आपको ये पैसेज दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। देन उसके बाद आ दिया है खालिल पैकी गौंत्या ही दोन कृति सोड़वा, इसमें से आपको कोई दो लिखना है। देन उसके बाद फिर से आपका आता है उपयोजित मराठी। सो कृति 4 खालिल पैकी गौंत्या ही दोन, सो ये जो 4 दिए हैं, मुलाकात गीताना गायची काढ़ती लिहा माहिती पत्रक मंजिल गाय थे सोदारहन स्पष्ट करा अहवाल ची स्वरूप स्पष्ट करा अहवाल ची आवश्यकता लिया, तो इसमें से कोई दो लिखना है, कोई दो अटेम्प्ट करना है, उपयोगित मराठी वाला पार्ट है। देन आ वाला आता है खालिल पैकी गौंत्या ही दोन कृति सोड़वा, सो ये जो 4 आपको दिए हैं इसमें से कोई दो अटेम्प्ट करना है। देन सबसे लास्ट है विभाग 5 व्याकरण व लेखन, तो व्याकरण मराठी के एक पेपर में आपका बुक से आएगा, एक्सरसाइज से आएगा, ऐसा बोर्ड ने कुछ कहा नहीं है। हिंदी के पेपर में आपका एक्सरसाइज से आता था जो भी ग्रामर का पार्ट है, लेकिन मराठी के लिए बोर्ड ने कुछ ऐसा स्पेसिफिकली कहा नहीं है, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा ग्रामर की। सो ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। ये जो पेपर है इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, इसे एक बार देख सकते हो अच्छे से, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो मराठी का पहली बार ऑफलाइन मोड में। सो ये था आपका मराठी का पेपर। जो भी सोमत वाला प्रश्न रहेगा उसे आप अटेम्प्ट करना, उसे छोड़ना मत। सोमत वाले प्रश्न में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो डाइजेस्ट में आंसर था वही लिखना होगा सेम टू सेम, बट ऐसा नहीं है। सोमत अभिव्यक्ति ये प्रश्न में देखो दिया क्या रहता है क्वेश्चन कि तुमच्या शब्दात लिहा, यानी कि आप अपने हिसाब से लिखो, अपने वर्ड्स में जो आपको समझा है। सो आप वहाँ पर कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, इसलिए सोमत अभिव्यक्ति का प्रश्न कभी छोड़ना मत। देन जो आपका पेपर है वो नीट एंड क्लीन लिखने का, और आपको देखो पेपर जो मिलता है 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले, जो आपको जितना भी आप टाइमिंग पहले पेपर मिलता है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग का पैसेज है उसे पढ़कर रख लेना, क्योंकि बाद में पैसेज पढ़ने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए पैसेज को पहले पढ़कर रख लेना अच्छे से। और पैसेज में क्या करना, आप एक कीवर्ड को, जो भी क्वेश्चन आपका दिया है उसमें एक कीवर्ड को पकड़ के उसी को पैसेज में ढूंढना, तो जहां पर भी पैसेज में आपको कीवर्ड मिलेगा उसके आसपास का लाइन आपका आंसर होगा। सो यही था आज का वीडियो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मराठी के पेपर के लिए। यानी किस वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।